अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के पॉइंट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एम के पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप हमारी हर नए आने वाली वीडियो देख सकें। दोस्तों, अशफाक अहमद कहते हैं कि एक मरतबा मैं खाना खा रहा था कि खाने के बाद मैंने एक डिकार लिया और कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मेरी बेबे ने कहा कि ये तूने क्या किया? मैंने कहा कि जी शुक्र अदा किया है। तो वो बोली, ये शुक्र तो ना हुआ कि तुम्हारे पास दो रोटियां थी और तुम दोनों खा गए, बल्कि एक खाओ और एक खैरात कर दो, ये असल शुक्र है। दोस्तों, ये याद रखें कि आपके पास जो कुछ भी है उसको अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों के साथ शेयर करें, अपनी सक्सेस भी। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि या अल्लाह अगर मुझे कामयाबी मिली तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, बल्कि आप कहें कि या अल्लाह अगर मैं कामयाब हुआ तो दूसरों की ज़िंदगी में अपनी कामयाबी और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बेहतरी लाऊंगा और उनको कामयाब करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कामयाबी जल्द मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि आपकी कामयाबी के साथ बड़े नेक काम जुड़े होते हैं। अगर आप कामयाब होंगे तो बड़े लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा और आप अपनी कामयाबी और वसाइल अल्लाह की मखलूक के साथ बांटेंगे। दोस्तों, दूसरों के साथ शेयर करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जो ये काम कर ले उसकी ज़िंदगी, उसके विजन और उसके गोल में बरकत आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको यकीन ना आए तो आप दुनिया के तमाम बिलियनर्स जैसे कि वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और इस तरह के दूसरे लोगों की ज़िंदगियों का मुताला कर सकते हैं। ये तमाम लोग कैसे अमीर हैं? दुनिया में क्या बहुत सारी माओ ने ये दुआएं नहीं की होंगी कि या अल्लाह हमारे बेटे को भी बिल गेट्स बना? लेकिन आज तक कोई भी बिल गेट्स क्यों नहीं बन सका? उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो लोग सिर्फ अपने बच्चों को, यानी अपने बच्चों के लिए सिर्फ बिल गेट्स जितनी दौलत चाहते थे। वो अपने बच्चों के लिए बिल गेट्स जितनी सखावत नहीं चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि जब उनके बच्चों के पास बिल गेट्स जितनी दौलत आए तो वो पूरी दुनिया को इतना डोनेशन दें कि दुनिया से पोलियो जैसा मर्ज़ी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, ये कोई नहीं चाहता था, लिहाजा जब सखावत निकाल दी गई तो बिल गेट्स ना रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी तमाम खूबियों और खामियों के साथ होता है। अगर आप बिल गेट्स के अंदर से कोई खूबी या कोई खामी ही निकाल दें तो बिल गेट्स नहीं रहेगा। लिहाजा यही वजह थी कि आज तक किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। दोस्तों, ये याद रखें कि अगर आपके काम के साथ कोई नेक मकसद जुड़ जाता है तो आपके काम में बरकत आ जाती है। ना सिर्फ बरकत आती है बल्कि आपका काम ही बरकत बन जाता है। दोस्तों, दुनिया में बड़े बड़े ऐसे बिलियनर्स हैं जो पूरी दुनिया को डोनेशन देते हैं। इनका पैसा बीमारियों में और दूसरे हंगामी मसलों में खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद ही आज तक फुटपाथ पर नहीं आए जो कि इन्हें आज जाना चाहिए था। क्यों ये क्यों नहीं आए? क्योंकि इनके कामों में बरकत आ गई थी। इन्होंने जो भी कमाया वो इंसानियत के लिए कमाया था, अपनी सिर्फ ज़रूरियात पूरी की, अयाशियाँ नहीं की। इसीलिए कुदरत ने इनके कामों में बरकत डाल दी। तो दोस्तों, ये याद रखें, आप जो भी काम करते हैं तो उसके अंदर ये मकसद रखें कि अगर आप कामयाब हो गए तो आप इंसानियत के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।